बागपुर हत्याकांड दुष्कर्म मामले में इमामगंज डुमरिया मोड़ पर भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव ने न्याय यात्रा निकाला, जिसमें पुलिस प्रशासन और स्थानीय विधायक जीतन राम मांझी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। संतोष रेणु यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि परिजनों पर पुलिस दबाव बना रहे हैं और भय का माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। कहा कि स्थानीय विधायक मांझी जी मुख्य आरोपी को बचाने का काम कर रही है और 18 जून को घटना होने के बाद आज तक पीड़ित परिजनों से मिलने तक नहीं आए हैं। हम लोग आज न्याय यात्रा हम लोग निकाले हैं, ये पहली न्याय यात्रा है, हमारी दूसरी दौरा है। अगर इस प्रकार से संवेदनहीनता रहेगी तो हम लोग इससे बड़ी और भी विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे और इससे बड़ी बड़ी इंसाफ यात्रा न्याय यात्रा निकालेंगे और सोई हुई सरकार को सोई हुई प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। पुलिस को कहना है करीब करीब सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, एक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है तो जल्द गिरफ्तार कर लिए। सिर्फ पुलिस के कहने से हम लोग मान जाएंगे? सिर्फ पुलिस के कहने से मान जाएं? पुलिस के कहने से अगर मान जाते हम लोग, तब जब पुलिस इस घटने में बिल्कुल तत्परता के साथ लगी हुई होती तब जाकर के मान जाते। यहाँ के DSP महोदय इनसे क्या बोलते हैं, इनके जुबानी आप सुनिए। इनके भी देखरेख में कुछ ऐसा वीडियो आया है, इनके पास भी कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिसमें आरोपी खुद कह रहा है कि मेरे सामने हत्या की गई, मैं उस हत्या के दौरान वहां पे था, ऐसा बोला जा रहा है उस वीडियो में, लेकिन उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरोपियों का संरक्षण यहाँ के स्थानीय विधायक श्री जीतनराम मांझी जी दे रहे हैं, यहाँ की प्रशासन दे रही है और इनको सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड इनके लिए मुहैया कराई जाए, इनके घर पे गार्ड की व्यवस्था हो और इनको आर्थिक स्थिति से थोड़ी सी राहत प्रदान की जाए, क्योंकि अभी वो स्थिति में नहीं है जिसका 15 साल का बच्ची बलात्कार करके हत्यारों के द्वारा मार दिया जाता है हबसी के द्वारा और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है उचित। आप समझिए उस बाप पे क्या बीत रहा होगा। तो हम इनके साथ हैं और पूरे यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं इधर है, सब लोग हम लोग इनके साथ हैं, नीलम यादव के साथ हैं और अपनी बेटी बहनों की इस प्रकार से कत्लेआम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा नाम संतोष रेणु यादव हुआ और मैं भोजपुरी सिंगर हूँ और समाज सेवी भी।